Wood carving is an ancient art form that continues to captivate with its intricate details and timeless beauty. In the bustling city of Saharanpur, renowned for its rich heritage in woodwork, one name stands out for its exceptional craftsmanship, Imran. With more than two decades of dedication and passion, Imran has not only improvised his skills but also empowered others through his own workshop, providing work opportunities and training. One of Imran's masterpieces is the mesmerizing acacia wood hand-carved box, a testament to his expertise and the beauty of Saharanpur's woodwork. Acacia wood is also known as Bapur wood or Kikar wood. Let's learn how this beautiful acacia wood box is made in Hindi. First step. पहले हम जानते हैं कि हम acacia wood क्यों चूज करते हैं, क्योंकि वो ड्यूरेबल यानी मजबूत होती है और उसका खूबसूरत एंड अट्रैक्टिव ग्रेन पैटर्न। ऑल्सो इट्स अ सस्टेनेबल वुड। स्किल क्राफ्टमैन अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट क्वालिटी वुड चूज करते हैं। सेकेंड स्टेप, परचेज करने के बाद लकड़ी को सॉमिल भेजा जाता है, यानी यूजेबल वुड को अनयूजेबल वुड से अलग किया जाता है। थर्ड स्टेप, वो लकड़ी जिसे यूज करके हमें बॉक्स बनाना है उसे सीजनिंग के लिए भेजा जाता है, ताकि उस लकड़ी में से जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो निकाल दिया जाए। फोर्थ स्टेप, सीजनिंग से आने के बाद लकड़ी को प्रेफर्ड साइज में कट किया जाता है। फिफ्थ स्टेप, लकड़ी को स्किल क्राफ्टमैन के पास भेजा जाता है, जिसके ऊपर वो अपने हाथों से सुंदर सी कार्विंग एज पर द रिक्वायरमेंट बनाता है यूजिंग द हैंड टूल्स। सिक्स्थ स्टेप, उसके बाद बॉक्स की बनाई होती है, जिसमें कारीगर वेलवेट सीक्रेट लॉक मैकेनिज्म लगाता है, लिड को बेस के साथ जोड़ता है और फिर उसके बाद फाइनल फिनिशिंग देता है। एंड इसी तरह हमारे पास आता है एक खूबसूरत सा बॉक्स। जुड़े रहिए हमारे साथ हमारी इस प्यारी सी जर्नी में, जहां आप और हम मिलकर जानेंगे हिंदुस्तान की खूबसूरत क्राफ्ट के बारे में।